आज हम बीडीसी आज बीडीसी का मामला है। सर आपने बोला बीडीसी के लिए, आपने बोला सर कि कैसे हमारी सरकार बनती है, पूरी कोशिश करेंगे, हर दम तक आखिरी दम तक कोशिश करेंगे आपके साथ हंगामे से लेकर डेपुटेशन मिलने तक हर कदम पर हम आपके साथ, क्योंकि आप ये कोई किसी से भीख मांगने की बात नहीं है, हक और इंसाफ की बात है और बीजेपी हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़ती है। गोविंद शर्मा साहब ने बोला अब सब में 8 के 8 मेंबर होंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, अगर आने वाले दिनों में जब कभी इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद जैसे आप देख रहे हो पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल कितना खुशनुमा है, आज जम्मू रीजन कश्तवाड़ डोडा रामबन रियासी उधमपुर सांबा कठुआ रजौरी पुंछ यहां तो लहर है ही है, वादी कश्मीर के अंदर भी आज बड़ी जबरदस्त खुशनुमा माहौल वहां बना है, क्योंकि सरकार ने सबका भला किया। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, हमने कहा किसी की जरूरत नहीं है कि किसी बीडीसी वाले को कोई टेढ़ी नजर से देखे, खत्म करना तो दूर की बात है, लेकिन पिछले दिनों के अंदर कुछ साथी आपके कोर्ट में चले गए, अदालत में चले गए, इसमें कोई सरकार का या किसी नियम का या पुलिस के डीजीपी साहब का या होम सेक्रेटरी का किसी का कसूर नहीं, आपस में कुछ लोगों को, चूंकि एक जमाने में सिर्फ वीडीसी को एसपीओ को 1500 मिलता था, 1500 एसपीओ, राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर बने, उन्होंने इसके अलग अलग सैलरी की 6000 12000 16000 18000, आज जब ये सैलरी का मामला बढ़ा कुछ लोगों ने थोड़ा इसका कानूनी तरीके से जाके ये जो किया ये ठीक नहीं किया, उसका हमको भी दुख है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने बार बार जब से ये मामला हुआ बसंत राव जी आपके प्रेसिडेंट साहब और मुझे याद है और भी बहुत सारे लोग हैं, पिछले दिनों में यहां से गया था फनी में था, उधर एक है डोलू राम जी, एक उधर सांबा में है सुरेंद्र जी, उधर रजौरी और पुंछ, अभी मैं रियासी गया था माहौर चिसाना सुंगड़ी गुलाबगढ़ रामबन डोडा, आज डोडा में आ गए बीडीसी, मैंने कहा यहां क्या कर रहे हो, चलो ठाठरी। मुझे याद है हमने आपकी लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ी और कोई वोटों के लिए नहीं लड़ी, कोई वोटों के लिए आपकी लड़ाई नहीं लड़ी है, आप भारत माता के रक्षक हो, आप देश के सच्चे सेवक हो, आपने ईमानदारी से अपने इन पहाड़ों की इन नदियों की इन गांवों की और मुल्क के तिरंगे झंडे की हिफाजत की है। मेरे को याद है मैं रजौरी में होता था, मेरे को याद है मैं रजौरी में होता था, एक बार 15 अगस्त का कार्यक्रम आ गया और सबने कहा गांव वालों ने हमने तिरंगा झंडा लगाना है, लेकिन पुलिस की सीआईडी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि बड़ी कोई वारदात होने वाली है और ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई कि छोटा एक एक इस विलेज डिफेंस कमेटी का गठन हुआ तो जाके बीडीसी बनी, हमें याद है, और उसके बाद जो बीडीसी ने काम किए, वीडियो कोई बीडीसी वाला बंदूक कंधे पर रख के निकलता था, वो जो पार से घुसपैठ करके आता था वो भी झाड़ियों में कहीं छुप जाता था, भाग जाता था, और हम
बीडीसी के ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने लोगों का फिक्र करना, उनका ख्याल करना, ये कहते थे इनसे हथियार छीनो, बंद करो इनको। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के हमदर्द थे जिनको आपसे खतरा होता है। वीडीसी के सपोर्ट में, उनके समर्थन में बड़ी तादाद में आए यहां सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और किश्तवाड़ से जो यहां जीत कर आए और सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और जिनके पास पावर डिपार्टमेंट था, मैं इनको कहता था ये पावर डिपार्टमेंट के पावरफुल मिनिस्टर, ये बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। और उनके साथ श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब, देखो एक पावर दूसरा शक्ति, क्या बात है। और तारक किंग साहब, जो कि मैं समझता हूं कि एक ब्रिगेडियर है यार, इनकी जब मैं तकरीर सुनता हूं तो मेरे को बहुत मजा आता है। और यहां मेरे भाई और हमारी पार्टी के बड़ी मेहनत कष्ट हमारे कार्यकर्ता ठाकुर बसंत राज जी, जो वीडीसी हमारे सेल के स्टेट के कन्वीनर हैं। सच में जब से ये कन्वीनर बने हैं, इन्होंने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक वलवला लाया है वीडीसी। इनके साथ साथ श्रीमान रतन चांद जी, सुरेश शर्मा जी, जगदेव जी, अजीत जी, राजेश जी, शादीलाल जी, शंकर सिंह जी और बड़ी तादाद में यहां हमारे साथी, हमारे जितने भी मैनेजमेंट में और सुरक्षा में लगे सभी जवान, सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आपने ये सारी चीजें पीडीसी के मेंबर हमारे ये मनाज साहब संदीप जी, क्योंकि बिल्कुल मेरे पीछे थे, मैं इधर देखूं तो नजर नहीं, इधर देखूं तो नजर बट साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, ये वीडीसी को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद आवाज बनकर आपके लिए हमेशा आपकी आवाज बनकर काम किया। हमें याद है उस दौर को जिसका जिक्र यहां सुनील शर्मा साहब कर रहे थे, जब यहां कुल्हाण का एक कांड हो गया, फिर जब चेरजी में कांड हुआ था, सुनील शर्मा साहब को याद है उस वक्त भी मैं आया था और पूरे गांव के अंदर ये दरिया पार करके जाना होता था, सिर्फ वहां वीडीसी के मेंबर दिखाई देते थे। एक जमाना था कि गांव गांव में सड़कें नहीं होती थी, गांव गांव में पहुंचना बहुत जरूरी होता था। और जब आतंकवादी दहशतगर्द जो मौत के सौदागर बन के बंदूकें उठा के दूर दराज के पहाड़ों में गांव में आते थे और ऊपर पहाड़ी पर बैठते थे, फौज को पुलिस को नीचे से ऊपर जाना होता था, वो ऊपर से टारगेट मारते थे और बहुत नुकसान होता था। और जब यहां बड़े बड़े कांड होने शुरू हो गए, डोडा बचाओ आंदोलन हुआ था, आप सबको याद होगा, जब कश्मीर घाटी से वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, कश्मीर घाटी के जो बहुत हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई थे उनको जबा किया गया, कश्मीर घाटी से सिखों को जब कत्लेआम हुआ, लगा कि अब ये डोडर कश्तवाड़ और रामबन भी, रियासी गुल अरदास भी यहां से निकल जाए। उस दौर में हमारी खुशनसीबी थी कि बीच में 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई, लाल कृष्ण आडवाणी साहब हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा बहुत जुल्म हो जाएगा, प्राण कोट रियासी के ऊपर भूल यहां माहौर के सामने पर के एरिया में बहुत बड़ा एक वारदात हुई थी, रजौरी के पल जरारा में मैं गवाह हूं, कॉलेज में पढ़ता था। उस रात को जब रजौरी के 1999 में बल जराला के अंदर 18 लोगों को एक बलात्कार, आपकी पार्टी जो है बात कर रही थी, क्या लगता है आने वाले वक्त में इनका मसला हल हो जाएगा या इस तरह ही रहेगा? हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आतंकवाद उरूज पर था, उस वक्त विलेज डिफेंस कमेटीज
का गठन किया गया था दिल्ली के अंदर, उस वक्त आनजानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को मिटाने के लिए, हराने के लिए और दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को खत्म करने के लिए उस वक्त विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया था और विलेज डिफेंस कमेटी के नौजवानों ने, इनके मेंबर्स ने जान हथेली पर रखकर अपने गांव की, अपने एरियाज की हिफाजत किया। ये बिना वर्दी के जैसे आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में लोगों की हिफाजत की है। ये गांव के पहरेदार हैं, ये गांव के चौकीदार हैं जो दिन रात बिना किसी लोभ लालच के इन्होंने गांव के लोगों की रक्षा की है और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा है। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं वीडीसी वालों की, इनकी सैलरी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उसके कुछ मामले बन गए। अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात करके वीडीसी मेंबर्स की तमाम जो इनकी डिमांड्स थी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के सामने अपना पक्ष, अपनी बात रखी है। होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है कि जल्द से जल्द तमाम वीडीसी मेंबर्स का मामला हल हो। मुझे यकीन है आने वाले चंद दिनों के अंदर ये वीडीसी के सारे इशू हम हल करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर और भी वीडीसी के मेंबर्स को फैसिलिटीज मिले उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ महीने पहले जो है अभी आपके जम्मू में भारतीय जनता के ऑफिस के बाहर जो है रहबरे खेल टीचर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वहां पे यकीन दिलाई गई थी कि एक दो महीने के अंदर आपका जो है काम किया जाएगा। रहबरे खेल अभी तक सर वो नहीं हुआ। रहबरे खेल का एक अलग विषय है। रहबरे खेल के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ लोगों, कुछ नौजवान जो उसमें अपनी जॉब्स की रिक्रूटमेंट चाहते थे उनके मामला थे, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पुरानी सरकारों के दौर के जो एक नाफरमानियां हैं, एक एक करके वो सारे हम दूर कर रहे हैं। खेल जो है रिसेंटली लगाए गए हैं लेकिन उनके साथ विश्वास किया गया था बीजेपी कार्यालय। आज हम वीडीसी, आज वीडीसी का मामला है। सर, आपने बोला वीडीसी के लिए, आपने बोला सर कि कैसे हमारी सरकार बनती है,